So in third unit, we have to study about the biodiversity. So the general outline of this chapter will be like the definition of biodiversity, then significance of biodiversity, levels, gradation of biodiversity. Then there will be what are the various threats to the biodiversity. Then values of biodiversity. These all topics will be the separate lectures. And later on, we will be discussing about the hotspots of the biodiversity. Hotspots, and then we will be discussing about the geographical regions of India. What is the endemism? And last, it will be the conservation of the biodiversity. Then we will be briefly discussing about the IUCN Red Data Books. So that will be the end of this unit. So ये तकरीबन लेक्चर 10 के आसपास इसमें आ जाएंगे इसको पूरा कंप्लीट करने में, बिकॉज़ जो बायोडाइवर्सिटी यूनिट है ये थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू द नेचुरल रिसोर्सेज. सो द बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है ये बेसिकली दो टर्म से बनी है. जैसे बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी. मीन्स जैसे आप भी किसी जगह जाएंगे किसी होटल में तो यू विल से देयर इज अ डाइवर्सिटी ऑफ कुजीन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिशेस वहाँ पे अवेलेबल होती है. मीन्स देयर इज अ वैरायटी वैरायटी इन लाइक गारमेंट्स. आप किसी भी शॉप पे जाएंगे तो उसके पास कोई वैरायटी होती है. तो सेम व्हाट इज द वैरायटी इन बायोलॉजिकल जो लाइफ है या ऑर्गेनिजम्स है उसमें कितनी वैरायटी होती है एट पर्टिकुलर लोकेशन, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. इन जनरल अगर हम बायोस्फीयर की बात करते हैं देन ग्लोबली वी रेफर टू द होल बायोडाइवर्सिटी ऑफ ऑल अर्थ. जितने भी इकोसिस्टम्स है एंड बायोम्स है अर्थ में, तो उनकी जितनी भी डायवर्सिटी हम जो है वैरायटी है जब हम रेफर करेंगे देन वी जनरली कॉल इट बायोडाइवर्सिटी. इन शॉर्ट ये बायोलॉजिकल डायवर्सिटी का एक शॉर्ट फॉर्म है बायोडाइवर्सिटी. तो जो अर्थ है इसमें तकरीबन तकरीबन 20 मिलियन ऑर्गेनिजम्स है. तो 20 मिलियन ऑर्गेनिजम्स में तकरीबन ओनली 1.4 मिलियन स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है. और जितने भी स्पीशीज दुनिया में रही है आज तक, तो उनमें से तकरीबन तकरीबन 99% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है. जैसे आप कुछ स्पीशीज को जानते हैं, जैसे डायनासोर्स थे, मैमथ से जैसे एनिमल लुकिंग जो एलिफेंट लुकिंग जो एनिमल्स हुआ करते थे मैमथ्स, जो कश्मीर में भी उसके फॉसिल्स पाए गए हैं. तो 99% जो स्पीशीज जमीन पे रही है उनमें से मैक्सिमम जो है एक्सटिंक्ट हो गई है. मींस जो है वैरायटी जो हम एक फेज होता है एवोल्यूशन के फेजेस होते हैं, उस एवोल्यूशन के फेजेस में नई स्पीशीज बनती है एंड देन ओल्डर स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट होती है बिकॉज ऑफ सर्टन चेंज इन द पैरामीटर्स जो उनके क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स होती है या अदर जो उनका जो हैबिटेट होता है वह डिस्ट्रॉय होता है, नई स्पीशीज इवॉल्व होती है ग्रेजुअली. तो ये पूरा जो हम आज तक जितनी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई किए गए हैं तो दैट इज ओनली 1 to 2%, बिकॉज जो है 20 मिलियन स्पीशीज हम एज ए एस्टिमेट कर सकते हैं. मतलब एज अ पूरा नहीं है कि 20 मिलियन ही है, उससे ज़्यादा हो सकते हैं. तो उसमें से एक माइन्यूट अमाउंट को हमने आइडेंटिफाई किया है, दैट इज 1.4 मिलियन स्पीशीज. एंड देन जो डाइवर्सिटी किसी भी लोकेशन पे है ये डिपेंड करती है ऑन फिजिकल क्लाइमेटिक फैक्टर्स. जो हम इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट पढ़े थे उसमें हम फिजिकल फैक्टर्स, बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इडियाफिक फैक्टर्स जो हमने पढ़े, दोज ऑल फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीशीज डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर लोकेशन. अक्सर मैंने क्लास में भी कहा है कि जो टेम्परेट कंडीशंस होती है उनमें जो डाइवर्सिटी होती है वो दैट इज लेस देन द डाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल काइंड ऑफ क्लाइमेट. तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है, इट हैज हाई ह्यूमिडिटी, इट हैज
गुड जो टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा नहीं होती है, टेम्परेचर वेरिएशन इज़ अराउंड 25 to 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मींस कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज जो है सस्टेन कर सकती है। अनलाइक जो टेम्परेट काइंड ऑफ क्लाइमेट है उसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत होती है। अगर आप कश्मीर की ही बात करेंगे तो लास्ट विंटर में यहाँ पे टेम्परेचर गया था अराउंड -9 -11 के आसपास, जो प्लेन्स की बात कर रहा हूँ। एंड देन इन रिसेंटली फ्यू डेज बैक द टेम्परेचर इज़ अराउंड 33 35, किसी किसी लोकेशन में भी गया है। तो 35 जो -11 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर रेंज है ये बहुत होती है। जो टेम्परेचर रेंज है फ्रॉम -11 to 35, जो हम एग्जाम्पल कश्मीर वैली की कर रहे थे, इसमें लेस नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट कर सकती है इस टेम्परेचर रेंज। कोई भी स्पीशीज जो 35 को भी जो है उसमें भी रह सकती है और -11 पे भी रह सकती है। तो इस टाइप की स्पीशीज बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रॉपिकल, जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होती है। तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, मीन्स कि उसका क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी जो है उसको जो है डिटरमिन करते हैं कि किस लोकेशन में ज़्यादा डाइवर्सिटी है या कम। उसके अलावा फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन कैसा है, प्लेन है, फर्टाइल सॉइल है, वाटर अवेलेबिलिटी, बहुत सारे। जैसे उसके अलावा विद इन स्पीशीज जो है उसमें क्या क्या कंपटीशन है। तो आपके लिए जो भी लोकेशन जिसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है उसमें कंपटीशन फॉर फूड एंड द हैबिटेट इज़ वेरी हाई एज कम्पेयर टू द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो अदर एस्टिमेट है, जैसे मैंने अभी कहा कि 2 मिलियन से भी ज़्यादा स्पीशीज हो सकती है, बट देर आर सम एस्टिमेट्स कि जिसमें बता रहे हैं कि 2 मिलियन to 1 ट्रिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, और जिसमें से 1.74 मिलियन स्पीशीज का डेटाबेस आज तक बना है। मीन्स कि बहुत कम, अगर हम 1 ट्रिलियन में से 1.7 या 2 बिलियन मिलियन भी लेंगे हम फॉर एग्जाम्पल, तो बहुत ही कम हमारे पास डेटाबेस है। तो द स्पीशीज जो एडजस्ट नहीं करती है किसी भी लोकेशन पे बिकॉज ऑफ द चेंज इन फिजिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड अदर जो स्पीशीज का भी इम्पैक्ट होता है। जैसे किसी नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करेंगे हम किसी जगह, वहाँ पे जो इंडिजिनस स्पीशीज होंगी वो उसको जो है उसके साथ कंपटीशन में वो हार जाएगी, देन दैट स्पीशीज गेट्स एक्सटिंक्ट। मीन्स द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो डार्विन्स थ्योरी थी, जो भी फिट होगा किसी भी एनवायरनमेंट में, फिजिकल कंडीशन में या अदर स्पीशीज के कंपटीशन में, दैट स्पीशीज इज गोइंग टू एग्जिस्ट। और जो स्पीशीज अडॉप्ट नहीं करेगी अपने आप को, माहौल के आस के हिसाब से अपने आप को नहीं डालेगी, दैट स्पीशीज विल गेट एक्सटिंक्ट। तो ये सारे कंपोनेंट्स को मिला के जब हम एक डेफिनेशन देखते हैं, एक बायोडायवर्सिटी की क्या डेफिनेशन हो सकती है, वन ऑफ द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ बायोडायवर्सिटी इज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी अमंग ऑल ग्रुप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम इन विच दे आकर। एक होती है वैरायटी, एक होती है वेरिएबिलिटी। दीज आर टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स इन द डेफिनेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो एक वैरायटी होती है मीन्स कि कितने किस्म है स्पीशीज के। फॉर एग्जांपल अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी हम देखेंगे कितने किस्म है स्पीशीज के, तो जो स्पीशीज की किस्म है आपस में कितना सिमिलर है या आपस में कितना डिफरेंट है, दैट इज अ वेरिएबिलिटी। वो स्पीशीज आपस में कितनी डिफरेंट है बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, मॉर्फोलॉजी, जो भी डिफरेंट उनका जो है फूड हैबिट्स वगैरह है, इकोलॉजिकल रोल है उनका, वो कितना वेरी करते हैं आपस में, दैट ऑल्सो इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वेरायटी खाली नहीं है, बट दे शुड बी डिफरेंट। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक इकोसिस्टम में रहते हैं या इकोसिस्टम्स इटसेल्फ, कि इकोसिस्टम्स में कितनी वेरायटी है, एक बड़े बायोम में कितनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स हो सकते हैं और एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से कितना डिफरेंट है। जैसे हमने टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़े थे, एक्वाटिक पढ़े थे, टेरिस्ट्रियल पढ़े थे, जिसमें हमने टेरिस्ट्रियल पढ़ा था लाइक फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, मेनी अदर इकोसिस्टम्स आर एग्जिस्ट इन टेरिस्ट्रियल एज वेल एज इन द एक्वाटिक लाइक मैरीन एस्ट्री एस्ट्रीज, साल्ट मार्शेस जो एक्वाटिक इकोसिस्टम्स होते हैं या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम्स होते हैं, तो वो कितना वेरी करते हैं आपस में।
इकोसिस्टम, अब जब हम लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे तब जाके ये आपको समझ आ जाएगा कि एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम से कैसे डिफरेंट कर सकता है, वो एक बायोडाइवर्सिटी में क्या रोल है उसका। तो अगर हम एक इकोसिस्टम की ही बात करेंगे, उसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उनमें क्या वैरायटी है और उनमें क्या वेरिएबिलिटी है, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ये जो डिफिनेशन है, दैट इज वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑल ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इकोसिस्टम। उसके अलावा भी बहुत सारी डिफिनेशंस है, लाइक एक डिफिनेशन है बाय यूएस कांग्रेस ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड दे से दैट इज, ये बेसिकली जो डिफिनेशन मैंने बताई थी, यूएस कांग्रेस ऑफिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड असेसमेंट है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, चेक द माइक इज ऑन और नॉट, तो यूनाइटेड नेशंस में जो यूनाइटेड नेशंस जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में, जो रियो डी जेनेरियो में हुई थी ब्राजील में, एंड दे हैव डिफाइंड द बायोडाइवर्सिटी एज अ वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम ऑल सोर्सेस एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ विच दे आर पार्ट। मीन्स कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वेरिएबिलिटी किसी भी सोर्स से या किसी भी इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स से, इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स लाइक एन कम्युनिटी, लाइक एन इकोसिस्टम, लाइक ए बायोम, जिसके भी वो पार्ट्स है। तो ये आपका था थोड़ा सा बेसिक अबाउट डेफिनेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा जब भी आप लिटरेचर देखेंगे, मोस्ट ऑफ द लिटरेचर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लाइक कि बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दी थी पहले, एंड देन हु कॉइन्ड द टर्म। तो अक्सर जो बुक्स में आप देखेंगे, 1985 में वॉल्टर रोजन, 1985 में इसने बायोडाइवर्सिटी टर्म को कॉइन किया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नॉट बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो लेटर ऑन जो इन 1998 एडवर्ड विल्सन ने इस जो टर्म था, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कन्वर्ट किया इन बायोडाइवर्सिटी, तो इसको इसने पॉपुलराइज किया। तो अक्सर बुक्स में आप, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आप ये देखोगे कि एडवर्ड विल्सन ने जो है बायोडाइवर्सिटी टर्म को क्वाइन किया है, बट कुछ बुक्स में आप ये देखोगे वॉल्टर जी रोजन ने बायोडाइवर्सिटी टर्म को क्वाइन किया, बट ट्रूथ इज कि बायोडाइवर्सिटी जो टर्म थी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो टर्म थी 1985 में वॉल्टर जी रोजन, यहाँ पे जी भी है, वॉल्टर रोजन इन शॉर्ट बोलते हैं, उसने क्वाइन की थी, बट लेटर ऑन 1988 ये टर्म को पॉपुलराइज किया एक सोशो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन, जिनका नाम था, तो अपनी जो रिसर्च से या आर्टिकल से, तो उसने डिस्क्राइब किया कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल लेवल्स बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, स्टार्टिंग फ्रॉम द जीन्स टू स्पीशीज टू कम्युनिटी टू इकोसिस्टम्स एंड देन टू द फंक्शनल डाइवर्सिटी। तो उसने जितने भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस है उसको कंबाइन करके इसको पॉपुलराइज किया। बट देयर इज अनदर थ्योरी, देयर इज अनदर साइंटिस्ट और अनदर ऑथर, उसका नाम थॉमस लवजॉय है, इन 1980 इसने ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है टर्म को इंट्रोड्यूस किया इन साइंटिफिक कम्युनिटी, इन जो एक बुक में उसने ये मेंशन किया था। तो ये आपका जो भी ऑप्शंस होंगी, जैसे ऑब्जेक्टिव में, ऐसे तो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होंगे, डिस्क्रिप्टिव होगा, तो यू कैन मतलब इलाबरेट कि ये टर्म कहाँ से आई, किसने दी पहले डिफिनेशन के बाद, ठीक है। देन इज सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये तो हमने समझा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, वेरिटी है, वेरिएबिलिटी है, बट हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ, क्योंकि हमारी जो लाइफ है दैट इज क्लोज रिलेटेड, इवन वी आर वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ, जितने भी प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स, मैमल्स जो हम भी आते हैं उसमें, जो भी हम प्रोविजनल सर्विसेज होती है, प्रोविजनल सर्विसेज लाइक फूड, फाइबर, मेडिसन, जो हम भी हम इकोसिस्टम से लेते हैं, उस वो चीज़ें सब जो हम आती है वो बेसिकली फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी आती है। जितने भी हम प्रोडक्ट्स, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फूड लाते हैं, दैट कम्स फ्रॉम द
वेरियस सोर्सेज ऑफ वेरियस क्रॉप्स जो हम ग्रो करते हैं, मीन्स कि जो हम खाते हैं, फॉर एग्जांपल फूड, ह्यूमन जो फूड खाते हैं, तो हम कितने वैरायटी का फूड खाते हैं, देर आर मेनी मोर लाइक डिफरेंट 80 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। आप माइक को म्यूट कीजिए, देर आर अराउंड 80 टाइप्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स जिसको हम खाते हैं, लाइक राइस, वीट, में सीरियल क्रॉप्स, फॉक्स मिलेट, पर्ल मिलेट, जवार, बाजरा, सोरगम, बहुत सारे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन। तो ये जो वैरायटी आती है फूड की, दैट इज ऑनली पॉसिबल व्हेन देयर इज अ वैरायटी एंड डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट्स। तो फिर उसके बाद डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उनका रोल होता है बेसिक, दैट इज द डिकम्पोजिशन। बट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अदर रोल भी है, जैसे सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करना, किसी भी जो है वाटर को प्योरीफाई करना बाय डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द वाटर जो भी है, या सॉइल में उसमें भी डिकम्पोजिशन होती है, मिनरलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा इन मॉडर्न टाइम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूटिलाइज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बायोफ्यूल्स लाइक बायोहाइड्रोजन, इथेनॉल, जितने भी ये आती है, दैट इज ऑनली पॉसिबल बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। जितने भी हमारे पास टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स होंगे, उतना हम उससे ज़्यादा सर्विसेज जो है ले सकते हैं। उसके अलावा एनिमल्स, दे आर ऑल्सो यूज फॉर द फूड, दे आर यूज फॉर द लेबर ड्रॉट, जो एनिमल्स यूज होते हैं फॉर प्लोइंग वगैरह। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से ही हमें फ्रेश एयर, क्लीन वाटर, लैंड, लैंड मीन्स द सॉइल फॉर्मेशन, दैट इज पॉसिबल। तो ये जो हमने इकोसिस्टम सर्विसेज पढ़े थे, फोर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज लाइक प्रोविजनिंग, सपोर्टिंग, रेगुलेटिंग एंड एस्थेटिक एंड कल्चरल सर्विसेज, वो बेसिकली उन्हीं चार सर्विसेज में जितने भी हमें बेनिफिट्स मिलते हैं, दैट इज क्लोजली एंड डायरेक्टली लिंक्ड विद द बायोडाइवर्सिटी। तो उसके अलावा इम्पोर्टेंस इन फॉरेस्ट्री, फिशरी, एग्रीकल्चर, तो इसको जो अगर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है, तो अगर आप रिकॉल करते हैं जब हमने ट्रॉपिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, फूड चेन पढ़ी थी, अगर उस किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है बाय सर्टेन रीजंस उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज हुई या वो एक्सटिंक्ट हो गया, देन दैट इकोसिस्टम इज वेरी अनस्टेबल इफ द डाइवर्सिटी इन दैट इकोसिस्टम इज लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी इकोसिस्टम में जो टॉप कॉर्निवोर्स हैं दे आर वेरी लेस और वन और टू, तो हमने एक स्पीशीज को ख़त्म कर दिया फॉर एग्जाम्पल, या नेचुरली ख़त्म हो गई फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको रिप्लेस करने वाला जो उसका जो इकोलॉजिकल फंक्शंस को जो करने वाला और कोई अल्टरनेटिव स्पीशीज नहीं है, देन दैट इकोसिस्टम विल कोलैप्स। मींस कि जिस भी इकोसिस्टम में ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, दैट इकोसिस्टम इज वेरी स्टेबल। तो जब भी बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, दैट कैन कॉज सीरियस इकोनॉमिक एंड सोशल कॉस्ट जो कंट्री के होते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे बेनिफिट्स होते हैं दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा भी एक एग्जाम्पल है, लाइक फॉर एग्जाम्पल हम राइस, वीट ग्रो करते हैं, जो डोमेस्टिकेटेड क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है, फॉर एग्जाम्पल हम बेसिकली वही वराइटीज यूज करते हैं जिनसे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिले, बट वी आर कंप्रोमाइजिंग देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट विद सर्टन काइंड ऑफ डिजीजेस। तो उनके जो जीन्स होते हैं वो सप्रेस होते हैं फॉर रेजिस्टेंस। तो हमारे पास अगर डाइवर्सिटी नहीं होगी, उनके वाइल्ड जो होते हैं रिलेटिव्स होते हैं राइस वीट के, जो जंगली उनका जो मतलब उनके वराइटीज होते हैं जिनमें वो जीन्स ऑलरेडी होते हैं जहाँ से वो ले सकते हैं, देन वी कैन मेक न्यू काइंड ऑफ वराइटी जो रेजिस्टेंट टू डिजीज भी होगी और उसमें प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो ये इसमें एडवांसेस कंटिन्यूसली चल रही है। तो जितनी भी जिस कंट्री के पास ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, उसकी ये जो है इकोनॉमिक एंड सोशल जो है स्टेबिलिटी भी जो है थोड़ा सा स्टेबल होगा, इफ दैट इकोनॉमिक जो है बेनिफिट्स एंड सोशल बेनिफिट्स आर रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई जो है इकोनॉमिक जो है लॉस है दैट विल बी लिंक्ड विद द बायोडाइवर्सिटी, बट इट इज समवट रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी। अब जो अदर प्रॉस्पेक्ट्स है, अगर इन जनरल अगर हम देखेंगे क्या सिग्निफिकेंस है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, देन जो भी हम प्रोडक्शन लेते हैं या प्रोविजन सर्विसेज लेते हैं फॉर वर
कंसेप्ट टू यूज़ या प्रोडक्ट टू यूज़, वो हम आगे जाके देखेंगे. व्हाट आर द यूज़ वैल्यूज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो वो डायरेक्टली जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है दैट इज़ लिंक्ड विद द बायोडाइवर्सिटी. एक जो इम्पैक्ट है जिसको हम कहते हैं अलनीनो, जिसमें ओशन वाटर्स का जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, सर्टन कंट्रीज लाइक इक्वाडोर, चिली वगैरह, वहाँ पे जो है सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होता है बाई सर्टन डिग्री, 3 to 5 डिग्री सेल्सियस. तो उसकी वजह से जो फिशेस की डाइवर्सिटी है वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, मीन्स वो वहाँ पे नहीं आती है. बिकॉज जो कोल्ड वाटर होता है उसमें न्यूट्रेंट्स ज़्यादा होते हैं, उसमें प्लांट्स की ग्रोथ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ही ज़्यादा फिश आएंगी जहाँ पे प्लांट्स या फूड अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी. तो वो डाइवर्सिटी जब कम होती है वहाँ पे बर्ड्स भी कम आते हैं. फॉर एग्जांपल जो फिशेस को खाते हैं बर्ड्स, तो बर्ड्स की ड्रॉपिंग्स होती है उन कंट्रीज में, इक्विडोर एंड चिली में, उसको गुआनो बर्ड बोलते हैं. वो जो है फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स जो उनका जो फीसिस होती है, वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है, दैट इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, तो वो एक्सपोर्ट करते हैं. उसके अलावा वो फिशरीज वगैरह में भी उनका इम्पोर्टेंट जो है इकोनॉमिक उस पर डिपेंडेंट है. तो एक थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, सरफेस टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ओशन का, उससे फिश की डाइवर्सिटी जो कम होती है, तो उसकी वजह से पूरी कंट्री को एक लॉस उठाना पड़ता है. मीन्स द डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इकोनॉमिक्स. फर्स्ट सिग्निफिकेंस इज इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज इकोनॉमिक बेनिफिट्स, जो डायरेक्टली किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक्स के साथ रिलेटेड होती है बायोडाइवर्सिटी. लाइक वी गेट वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, लाइक लाइवलीहुड्स, वाइल्ड एनिमल्स के हैबिटेट होते हैं वहाँ पे, फार्मर्स एग्रीकल्चर के रिलेटेड होता है, फिशरीज, टिम्बर जो हम लेते हैं, ये सारा तभी हमें मिलेगा फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी, इफ फ्रॉम द इकोसिस्टम, व्हेन द इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी. उसके अलावा इकोलॉजिकल सपोर्ट जो मिलता है बायोडाइवर्सिटी में, इकोलॉजिकल सपोर्ट क्या होता है, किसी भी स्पीशीज को एग्जिस्ट करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो डाइवर्सिटी हमें प्रोवाइड करती है. लाइक ऑक्सीजन हमें मिलता है फ्रॉम द प्लांट्स, तो मींस ऑक्सीजन सप्लाई, ऑक्सीजन साइकिल को पूरा जो है उसको अच्छे से मेंटेन करता है. क्लीन एयर, उसकी जो क्लीन जो भी पोटेंट्स होती है हवा में, तो उसको फिल्टर करते हैं. एब्जॉर्प्शन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूशन इन वाटर, जो भी प्लांट्स जो कैप्चर करते हैं पोल्यूटेंट्स फ्रॉम द वाटर, पेस्ट कंट्रोल में मदद करता है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, और जितने भी इकोसिस्टम सर्विसेज है जो लिंक्ड है विद द इकोलॉजिकल सपोर्ट, दैट ऑल वी गेट फ्रॉम द बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी इज रिच इन सर्टेन इकोसिस्टम्स. उसके अलावा जो भी रिक्रिएशनल सर्विसेज है, लाइक अगर किसी भी जगह बर्ड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स ज़्यादा आ रही है, फॉरेन से बर्ड्स आ रहे हैं, देन यू गो टू दैट लोकेशन एंड यू जो है आप रिक्रिएशन करते हैं वहाँ पे, बर्ड वॉचिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, कैंपिंग करते हैं एंड देन फिशिंग वगैरह करते हैं. तो उससे क्या होता है, एक लोकेलिटी में एक इको टूरिज्म जो है उसको बढ़ावा मिलता है. लाइक ये जो सीजन है अभी चल रहा है, मोस्ट ऑफ द कश्मीरी जो है लोकल्स होते हैं या बाहर से भी आते हैं, आउटसाइड कश्मीर या और भी फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं कश्मीर को देखने, बिकॉज कश्मीर है वेरी गुड सीनिक ब्यूटी. यहाँ पे वैलीज है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, वाटर स्ट्रीम्स है, तो वो एक रिक्रिएशनल सर्विस प्रोवाइड करता है. तो जैसे बर्ड वॉचिंग, अगर जितनी भी बर्ड्स की डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी दैन इट इज मोर जो है रिक्रिएटिंग, जो भी आते हैं लोग बाहर से ऐसे नहीं आते. उसके अलावा कल्चरल जो बेनिफिट्स, जो भी कोई भी किसी भी कल्चर के साथ कोई भी लिंक्ड होता है, जैसे हिंदूज के लिए जो है गाय इट इज वेरी सैक्रेड, तो उसको एक जो है बायोडाइवर्सिटी के साथ लिंक कर सकते हैं. वैसे ही कुरान में भी बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स का जिक्र है, दैट इज ऑल्सो जो उसका एक कल्चरल जो है उसका लिंकेज है विद सर्टेन कम्युनिटी. वैसे ही जो हिंदूज में जो तुलसी का पेड़ होता है, तो उसकी पूजा वगैरह करते हैं, तो वो भी एक कल्चरल सर्विस देता है. दैट थिंग इज अवेलेबल इन द इकोसिस्टम बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. देन लास्ट वन इज साइंटिफिक, जो बायोडाइवर्सिटी है हमें डेटा देता है कि एक नेचर कैसे काम करता है, व्हाट आर द वेरियस पाथवेज, कैसे जो है पूरा
चाहे वो इकोलॉजिकल सर्वे, इकोसिस्टम सर्विसेज है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेरियस मिनरल्स वगैरह है, तो वो हमें पूरा जो मिलता है बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। मोर और लेस ये जितने भी सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी की, दीज आर क्लोज रिलेटेड विद द इकोसिस्टम सर्विसेज। जो मैंने इकोसिस्टम सर्विसेज आपको पहली यूनिट में हमने डिस्कस किए थे, दैट आर रेगुलेटिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सपोर्टिंग प्रोविजनल एंड कल्चरल सर्विस, तो वो डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे प्रोविजनल सर्विस इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द इकोनॉमिक, एंड देन रेगुलेटिंग सर्विसेज आर लिंक्ड विद दिस इकोलॉजिकल सपोर्ट जो होता है, या रिक्रिएशनल एंड कल्चरल सर्विस आर रिलेटेड विद एस्थेटिक सर्विसेज, और साइंटिफिक सर्विस भी इसी के साथ होता है। तो ये जितने भी सिग्निफिकेंस है क्यों बायोडाइवर्सिटी को हम पढ़ते हैं, दैट इज लिंक्ड विद द इकोसिस्टम सर्विसेज। नाउ द ग्रेडिएशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम जब बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं तो हम किस लेवल पे उसको स्टडी करते हैं, तो जो ग्रेडिएशंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, दिस वाज गिवन बाय विटेकर 1965, जिसने थ्री कैटेगरीज में इसको कैटेगराइज किया, लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। तो अल्फा डाइवर्सिटी यहाँ पे अगर आप पिक्चर में देख सकते हैं, इट इज अ डाइवर्सिटी विद इन गिवन कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज आते हैं, कॉलेज के कैंपस में क्या डाइवर्सिटी है प्लांट्स, एनिमल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उसको अल्फा डाइवर्सिटी कह सकते हैं। तो ये डिपेंड होती है स्पीशीज रिचनेस एंड स्पीशीज इवननेस। मीन्स स्पीशीज रिचनेस हुई कि वराइटी क्या है किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, एंड इवननेस मीन्स कि एक स्पीशीज या दूसरे स्पीशीज से कितना रिलेटेड है। तो जितनी डाइवर्सिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिचनेस, मीन जितनी ज़्यादा वैरायटी होगी उतनी ज़्यादा जो है रिचनेस होगी। रिचनेस ज़्यादा होगी तो डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, अगर इवननेस ज़्यादा होगी मीन डाइवर्सिटी कम होगी, क्योंकि स्पीशीज आपस में बीटा डाइवर्सिटी। तो ये है, इट इज डिस्कवर्ड एज अ रेंज ऑफ कम्युनिटी टू जो रिप्लेस होते हैं स्पीशीज फ्रॉम वन एरिया टू द अदर एरिया। जब हम एक एरिया से दूसरे एरिया तक जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल एक कम्युनिटी, एक लोकेलिटी से दूसरी लोकेलिटी पे जाएंगे हम, मतलब कॉलेज से हम जाएंगे फॉर एग्जाम्पल ऊपर जो एरिया है कॉलेज का ऊपर एरिया, तो हम देखेंगे कितनी नंबर ऑफ स्पीशीज इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, तो उसको हम कहते हैं बीटा डायवर्सिटी। मीन्स कि जो एनवायरमेंटल कंडीशन थोड़ी चेंज होती है, हैबिटेट्स एंड निशेस थोड़ी चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कितनी डाइवर्सिटी इंक्रीज होती है या कितनी डाइवर्सिटी डिक्रीज होती है, उसको बीटा डाइवर्सिटी कहते हैं। और लास्ट वन जो हमें बड़े पैमाने पे देखते हैं, जिसको गामा डाइवर्सिटी कहते हैं, जिस डिस्क्राइब द डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर टोटल लैंडस्केप। मीन्स कि हम पूरा, हम कश्मीर का अगर हमें डाइवर्सिटी देखनी है तो दैट इज गामा डाइवर्सिटी। तो इस ऐसे भी देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर में जो डाइवर्सिटी है दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी, त्राल में अल्फा डाइवर्सिटी, पुलवामा में अल्फा डाइवर्सिटी। तो अगर हम ये पूरा कश्मीर से लेके हम जम्मू तक जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, दैट इज बीटा डाइवर्सिटी। और अगर हम पूरी इंडिया की हम देखेंगे, अब एक पूरा एक जोग्राफिकल एरिया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जितनी भी कंट्रीज है उसमें, तो उसको हम गामा डाइवर्सिटी कह सकते हैं। मीन्स कि ये एक लेवल है, एक एरिया, जितना हम एरिया हम बढ़ाएंगे उतनी जो है ग्रेडिएशन उसकी बढ़ेगी। छोटे पैमाने पे देखेंगे दैट इज अल्फा, सबसे बड़े पैमाने पे देखेंगे दैट इज गामा, एंड इन बिटवीन इट इज बीटा डाइवर्सिटी।